यूपी पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में दिख रही है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने लापरवाह व भ्रष्ट पुलिस वालों को जबरन रिटायर करने का आदेश जारी कर दिया है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सुमन गोयल ने कहा कि ऐसे पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग के बाद कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। विजिलेंस विभाग ने सभी जिलों के डीसीपी को पत्र लिखकर कहा है कि डार्क शिप और डेड वोन बन चुके पुलिस कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि डीसीपी अपने अपने एरिया के सिपाहियों से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की स्क्रीनिंग करेंगे, वहीं इंस्पेक्टर रैंक की स्क्रीनिंग जॉइंट सीपी करेंगे। विजिलेंस विभाग के निशाने पर भ्रष्टाचार, ड्यूटी से गायब रहना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहना, नशे का आदि होना या आपराधिक केस में कोर्ट से आरोप तय होने जैसे मामलों में शामिल पुलिस वाले हैं। स्क्रीनिंग कमेटी अपने अपने जिलों से ऐसे पुलिस कर्मियों के नाम विजिलेंस को भेजेगी और फिर इन पर कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, इससे पहले यूपी में भ्रष्ट और नाकारा अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्ती बरती है। यूपी में 50 पार के नाकारा पुलिस वालों को सेवानिवृत्त किया जा चुका है। योगी सरकार ने पुलिस समेत सभी विभागों में 50 पार के ऐसे लोगों की छटनी का आदेश दिया था जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा, पंजाब केसरी दिल्ली।